हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का जो टॉपिक है रोल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी पर प्रॉब्लम लेके आए हैं। ये पार्ट सेकंड है। इस वीडियो में हम तीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे रियल एनालिसिस के। तो अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन में आज हमें तीन प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा मिलता जुलता ज़रूर है। चलिए देखते हैं, वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम हम लेते हैं। पहला प्रॉब्लम में हमारे पास एफ एक्स क्या है, देखो एफ एक्स हमारे पास है मॉडुलस एक्स और इंटरवल हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, ये चीज़ है। रोल्स थ्योरम आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एप्लीकेबिलिटीज के बारे में जानने, तो रोल्स थ्योरम तो जानना ज़रूरी है ना। क्या होता है कि फंक्शन को होना पड़ता है कंटिन्यूस, फिर उसे होना पड़ता है डिफरेंशियबल ओपन इंटरवल में, फिर उसे होना पड़ता है जो ए है ये बी है इंटरवल, एफ ए इसको स्टेप भी होना पड़ता है, और फिर फंक्शन का जब डेरिवेटिव करते हैं एफ डस सी उसको रखना होता है जीरो के इक्वल, और जो सी आएगा वो इसके अंदर का होना चाहिए, तभी रोले का थ्योरम एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज नहीं। इन कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को अगर मना कर देते हैं तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, देखो ये जो फंक्शन हमें दे रखा है मॉडुलस एक्स, वो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होता है। सिंस मॉडुलस एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, किसी भी पॉइंट पर ले लो यहाँ से, क्योंकि देखो कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट ले लो सी, सी कुछ भी हो सकता है इनके बीच का, तो यहाँ रखोगे एफ ऑफ सी के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूस। तो क्लोज इंटरवल में तो ये कंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, क्या ये डिफरेंशियबल है कि नहीं है, ये डिफरेंशियबल नहीं होता है। सेकेंड चीज़ हम देखते हैं, हालांकि एफ ए बराबर एफ बी ज़रूर है, मैं पहले वो दिखा देना चाहता हूँ। देखो एफ ए कैसे निकालते हैं, एफ माइनस वन ये ए है ना, तो यहाँ रखोगे मॉडुलस के अंदर तो वो वन ही आ जाएगा, और एफ बी वन -1 से +1 है, हाँ तो ये निकालोगे तो वन, वन का क्या आएगा, वन ही आएगा, तो एफ ए इसका स्टेप भी तो है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है, लेकिन कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड अगर नहीं होती तो रोले का थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है, और आगे का स्टेप करना भी नहीं है, ये भी नहीं करना था क्योंकि सेकेंड स्टेप मना हो जाएगी। देखना अभी देखो, अब मैं क्या करना है, इस पॉइंट को अगर जीरो के इक्वल रखते हो तो जो जीरो होता है वो इनके बीच में आता है नंबर लाइन में। अगर नंबर लाइन पर आप ड्रॉ करोगे ना -1 को और 1 को, तो जीरो यहाँ मिल रहा है एक्स इक्वल टू जीरो। अब मेरा डाउट मैं दिखाता हूँ आपको, जीरो पे ये डिफरेंशियबल नहीं होगा, है ना, जीरो पे ये डिफरेंशियबल नहीं होगा। कैसे, देखिए आप क्या निकालोगे आर एच डी, ठीक है, एफ डॉट निकालो आर एच डी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन ज़ीरो प्लस एच फंक्शन ज़ीरो अपॉन एच, ये फार्मूला होता है। तो देखो यहाँ रखोगे एक्स, ज़ीरो प्लस एच मतलब एच, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ आ जाएगा आपका ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे आपका आ जाएगा एच मॉडुलस का एच और फंक्शन ज़ीरो, ज़ीरो रखोगे तो ज़ीरो ही मिलना है अपॉन एच। ठीक है, देखो यहाँ से एच का मॉडुलस तो एच ही होगा, एच माइनस ज़ीरो एच, एच अपॉन एच आ जाएगा, यानी कि क्या दे देगा वन, आर एच डी वन है। अब आपको निकालो एल एच डी, फॉर्मूला क्या होता है, एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन ज़ीरो माइनस एच फंक्शन ज़ीरो अपॉन माइनस के एच। ठीक है, ये होता है, यानी कि माइनस के एच रखोगे यहाँ पर इस फंक्शन में, तो क्या आएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस एच, एफ ज़ीरो पे तो ज़ीरो ही देगा माइनस एच, क्या आ जाएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस एच का मॉडुलस एच ही आएगा, एच में से ज़ीरो कटाओगे तो एच ही बचेगा और नीचे एच है, एच अपॉन एच और सामने क्या लगाया माइनस, तो ये आ गया माइनस के वन। देखो एल एच डी आया -1, आर एच डी आया +1, सिंस एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, हैंस इट इज नॉट डिफरेंशियबल। तो सेकेंड प्रॉपर्टी मना हो गई, तो बाकी की तो बात करनी नहीं है, हैंस इट इज नॉट एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम के इसके क्या हो, एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल आप लिख देना है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया मॉडुलस वाला। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी हम करेंगे वन बाय वन। आते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, और ये पूछा भी गया है एग्जाम में कई बार, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में तो लास्ट ईयर आ भी चुका है ये। एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। इंटरवल हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल ए बी है, और इन्होंने ये बोला है क्वेश्चन में कि इस इंटरवल के पास जीरो नहीं है। बड़ी अच्छी बात कर दी इन्होंने, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, कि इस इंटरवल के पास ज़ीरो नहीं है, ये ध्यान रखना है, ज़ीरो नहीं इस इंटरवल के पास, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कंडीशन को भी देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दे रखा है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, यही तो होता है ना, ये चीज़ है। अब लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम प्लस एन, उसको भी ब्रेक कर दो, प्लस होता है लेकिन बाहर लगा है माइनस, तो अंदर भी लग जाएगा माइनस, ठीक। ये सारे देखिए कंपोजिट फंक्शंस हैं नॉर्मल टर्म्स में, और आपको मैं एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ कि जो कंटिन्यूस फंक्शन होता है उसका सम कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस ऑलवेज कंटिन्यूस ही होता है। आई बस समझ में, ठीक है। तो देखिए ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, और इन जनरल ये पर्टिकुलर एक एक फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इस वजह से ये टोटल फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक है, ये लिखोगे यहाँ से बीइंग अ कंपोजिट फंक्शन, ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस इन जो भी इंटरवल आपको दे रखा होगा ए टू बी इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी इंटरवल आपको दे रखा है इन ए टू बी, ये चीज आप लिख देना, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूस हो गया प्रूफ, जो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ करनी वो तो आराम से हमने कर दी है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें क्या करनी होता है, डिफरेंशिएबल दिखाना होता है। देखो एफ एक्स क्या हमारे पास है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी, ये चीज़ है। देखो इस क्वेश्चन डिफरेंशिएबल दिखाने के दो तरीके हैं, या तो एल एच डी दिखाओ इक्वल टू आर एच डी दिखाओ, वो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा और उस पर टाइम बहुत वेस्ट होगा, एग्जाम में टाइम भी मैटर करता है, थोड़ा स्मार्ट बनो। देखो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स में अगर मैं करता हूँ तो आप जानते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है कि नहीं, जी बिल्कुल होता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए बी एक्स इंटू में ए प्लस बी, ये चीज़ आ जाएगी, है कि नहीं। और जब दोबारा आप डेरिवेटिव करोगे इसका, क्योंकि अब एंगल का भी तो डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी ओवर डी एक्स किसका डेरिवेटिव कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी, इसका डेरिवेटिव कर दो, सिंपल डेरिवेशन कर दो। फिर बात रखो यहाँ से x a प्लस बी ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, और यहाँ से न्यूमरेटर अपन डिनोमेटर वाला फार्मूला यूज़ कर लो, यहाँ से क्या हो जाएगा x a प्लस बी का लग जाएगा होल स्क्वायर, ये वैसे का वैसे x a प्लस बी, यहाँ से क्या जाएगा डेरिवेटिव करोगे न्यूमरेटर का तो 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी ऐसे का ऐसा, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ए प्लस बी, और एक्स डेरिवेटिव वन आ जाएगा। ये सिंपल पावर है, ये पावर है एक, ये पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। और ऊपर से जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अलग अलग बट्टे ले लोगे सॉल्व करने के बाद, तो ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ मिली। और इसको और सॉल्व कर लो तो हमें मिल रहे हैं एक्स स्क्वायर एल सी एम लेने के बाद नीचे आ रहा है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ए बी, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे टू एक्स स्क्वायर एल
एक्स स्क्वायर माइनस के बी, ये आ गया। और इसको सॉल्व करो, हल करने के बाद हमें मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के ए बी अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ये चीज आई है। देखो कोई चीज़ डिफरेंशियबल तभी नहीं होता जब वो डिफाइन नहीं करते, यानी कि इन्फाइनिटी आती है, और इन्फिनिटी तभी आती है जब अपॉन में ज़ीरो होते हैं, ठीक है, या फिर ज़ीरो आ जाए। x के पास तो देखो ज़ीरो है ही नहीं, क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में डिफाइन कर रखा था, उसके पास ज़ीरो नहीं है, तो यहाँ तो ज़ीरो नहीं हो सकता कोई पॉजिटिव। और यहाँ पर प्लस का भी है, कोई भी पॉजिटिव की वैल्यू आएगी, नीचे ज़ीरो आने का चांस तो ख़त्म। जब नीचे ज़ीरो आएगा ही नहीं तो ये इन्फिनिटी हो ही नहीं सकती, और जब इन्फिनिटी नहीं है तो ये डिफरेंशियबल है, यानी ये क्या है, डिफरेंशियबल है। तो आप क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, यही चीज़ जो मैंने हमने बोली ना उसको आपको एग्जाम में लिख के बताना है, ठीक है, विच इज़ नॉट बिकम इन्फाइनाइट, हैं, हैंस इट इज़ डेरिवेबल, ये चीज़ लिख देना। उसके बाद क्या होगा, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे क्या होता है कि एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के, और हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स हमारे पास क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स इंटू में ए प्लस बी। ये चीज़ है कि नहीं। अब इंटरवल भी तो हमें ए बी ही दे रखा है, इंटरवल भी क्या दे रखा है, ए बी, ए के प्लस पे ए ही है और बी के प्लस पे बी है, रखो इस फंक्शन में, देखते हैं बी बात है कि नहीं। लॉग एक्स के प्लस पे ए, ए स्क्वायर ए बी, नीचे से ए ए बी, फिर इधर लॉग एक्स के प्लस पे बी रखना है, बी स्क्वायर ए बी अपॉन इधर से बी और ए प्लस बी। ठीक, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर से क्या कॉमन है, ए, बी कॉमन है यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ से भी बचा बी प्लस ए, और यहाँ से भी बी प्लस ए। देखो सेम टू सेम है, अंदर कट गया तो बचा, अंदर कट पिट के बाद क्या लॉग वन, इधर भी क्या बचा लॉग वन, दोनों तरफ इक्वल आ गए, तो एफ ए बराबर एफ बी भी हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। नाउ अब क्या होता है, एफ डस सी को रखना होता है ज़ीरो के इक्वल, और जो सी आएगा वो उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, जो इंटरवल होगा तभी ये एप्लीकेबल होता है। अभी हमने जब डेरिवेटिव किया था तो ये आया था ना, तो क्या करो एक्स एक्स के प्लस पे सी रख दो, तो यहाँ रखना है हमें सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी, सी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ आ गई। अब ये तो तिरछे गुणा करेंगे, इसके अपन वन लोगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी रूट ए बी, ठीक है। और जो रूट ए बी है, सिंस सी इक्वल टू रूट ए बी, वो बिलोंग कर जाएगा ए बी के अंदर, इसके अंदर ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे दिखा दूँ, मैंने लिया टू, एक लिया फोर, ठीक है, टू और फोर का करो आप, टू और फोर का क्या जाएगा रूट, देखो ये ए के प्लस पर टू है, बी के प्लस पर रूट करोगे तो चार दुनी छः, सिक्स का जो रूट आएगा वो समथिंग कुछ थ्री पॉइंट कुछ भी हो सकता है, टू पॉइंट समथिंग, थ्री पॉइंट समथिंग, जो भी आएगा वो इसके बीच में ही तो होगा, यानी कि जो सी आया है रूट ए बी वो इसके बिलोंग अंदर बिलोंग कर जाएगा। इसके अंदर जब बिलोंग कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर दे रहे हैं, सिंस ऑल द पोस्टुलेट्स इज सेटिस्फाइड, हेंस रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल। ठीक है, ये आप लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये चीज़ है, बस अब की बार नंबर में दे दिया, ए बी की जगह वन थ्री दे दिया है, इसके पास भी जीरो नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, डिक्टो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप सी नंबर आप खुद से ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो मेरे को बताना, फिर मैं आपको करा दूँगा। आई होप आप कर ही लेंगे। थैंक यू।